हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पटियाला सलवार। तो ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है, इसमें से हम पटियाला सलवार बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे देखिए। ये पहले हमने अर्ज की तरफ से फोल्ड कर लिया है दो लेयर में। ये हमारी दोनों किनारी हैं और सबसे पहले हम पार्ट निकालेंगे और बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट और पार्ट के लिए बाकी जो भी कपड़ा होगा वो हम कली के लिए लेंगे। तो सबसे पहले बेल्ट निकाल लेंगे, उसके बाद में पार्ट। अब देखिए बेल्ट की जो हम लंबाई लेंगे वो 9 इंच लेंगे यहाँ से, 9 इंच यानी बेल्ट की लेंथ। और जो इसकी चौड़ाई रखेंगे वो हमारी तैयार रखनी है हमें 34 इंच, तो उसका हाफ होगा 19 और इसमें हमने 1 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा है हमारा। तो हमारा तो इतना ही कपड़ा बहुत है। अगर आपको ये कम है तो आप अपने मेजर के हिसाब से कपड़ा अलग कर लें, इसे यहाँ से अलग कर देंगे। ये यहाँ से हमने कट कर लिया है और उसके बाद ये कपड़ा हम फोर लेयर में करेंगे इस तरीके से। अब कपड़े को देखिए हमने फोर लेयर में रख लिया है और जो हम ये सलवार बना रहे हैं 36 इंच की तैयार बना रहे हैं और 7 इंच की इसमें हमारी बेल्ट होगी। तो इसमें हमें पार्ट लेने हैं 29 इंच, क्योंकि हमने जो 9 इंच कपड़ा लिया है बेल्ट का तो वो 1.5 इंच हमारा ऊपर फोल्ड होगा और 1/2 इंच नीचे सिलाई में जाएगा। तो हमें ये पार्ट जो लेनी है ऊपर से 7 छोड़ के लेनी है तो 29 इंच लेनी है, 29 इंच। यहाँ से इसे इस तरीके से सीधा कट कर देंगे कपड़े को। अब देखिए कपड़े को हमने एक साइड में बचा दिया है और ये दो लेयर में है और इसे अब फोर लेयर करेंगे, पार्ट निकालेंगे, क्योंकि पार्ट हमें ज्यादा चौड़ी नहीं लेनी है। ये एक साइड हमने कपड़ा बचा दिया है उसमें से, क्योंकि कपड़े का अर्थ ज़्यादा था। तो ये हम यहाँ से 8 इंच ले रहे हैं पार्ट की जो चौड़ाई है 8, फोर लेयर में 8 है और डबल लेयर में 16 है। अब यहाँ से इसको अलग कर लेंगे और ये हमारी जॉइंट है इसको भी खोल लेंगे। अब ये देखिए यहाँ से हमने कट कर लिया है कपड़े को और ये हमारी दो पार्ट आ गई हैं। इनकी ऐसे चौड़ाई 16 है और फोल्ड करेंगे तो 8 है। ये हमारी दोनों पार्ट आ चुकी है। अब जो भी हमारा कपड़ा बचा है उसको दो लेयर में करेंगे। ये किनारी किनारी इस तरीके से मिला के दो लेयर में रख लेंगे पूरा कपड़ा। अब ये देखिए ये हमने पूरा दो लेयर में कपड़ा रख लिया है और यहाँ से इस तरीके से पार्ट को रखना है। और जितना भी आप आसन रखना चाहते हैं उस हिसाब से आसन रखें। 7 इंच तो हमारा बेल्ट में होगा और 8 इंच और लेंगे हम यहाँ से। और यहाँ से ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है तो इसे सीधा कट कर देंगे। ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे और इससे बाद में हमें यहाँ पर निशान लेने हैं अपने। तो एक निशान तो हम यहाँ पर 8 इंच पर लगाएंगे और एक निशान 8 इंच पर हम इस कॉलर पर लगाएंगे। और अब इस निशान को इस निशान से इस तरीके से मिला देंगे। और यहाँ पर हम देखिए 1 इंच ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे पार्ट कुछ चौड़ी हैं। दोनों साइड से हमने 1-1 इंच लिया है और इस निशान को इस तरीके से तिरछा इससे मिला देंगे। अब सेम इसी तरीके से इस मार्क पर कट कर लेंगे और यहाँ से भी इसे खोल लेंगे। अभी देखिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लिया है और यहाँ से जॉइंट था वो भी हमने पूरा खोल लिया है। अब ये हमारी 4 कली कट के तैयार हो चुकी है। एक पार्ट में 2 कली जॉइंट होती हैं और ये पूरी सलवार हमारी कट चुकी है। अब इसे सिलना बताएंगे। अभी देखिए यहाँ से पार्ट लिया है हमने और ऊपर से हमें ये कली लेनी है एक, और इसका हमें ये आसन वाली साइड है ये हमें छोड़नी है और ये हमारी जो कली की पार्ट की साइड है वो हमें सिलनी है। ध्यान रहे ये आसन वाली साइड ना सिल जाए और उल्टे सीधे का भी ध्यान रखना है। अगर आपका प्रिंटेड कपड़ा है तो, हमारा प्लेन कपड़ा है तो इसमें उल्टे सीधे का कोई
ब्लीच नहीं है। ये कली पर हमें सीधी सिलाई लगानी है नीचे तक। ये देखिए पूरी कली हमने जॉइंट कर ली है। उसके बाद में हमें ये दूसरी कली जॉइंट करनी है। तो अब की बार में हमको कली को नीचे रखना है। पहले हमने पार्ट को नीचे लिया था और ये आसन वाली साइड छोड़ के लेना है इस तरीके से। ठीक है, अब इसे पूरा इसी तरीके से सिल लेंगे। अभी देखिए दोनों हमारी ये जॉइंट हो चुकी है। अब सबसे पहले इसमें हम अपनी मोहरी बनाएंगे और इस जिस तरीके से हम ये वाला पार्ट तैयार कर रहे हैं उसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट तैयार करेंगे। ये हमने बुकरम लिया है। आप जितनी चौड़ी मोहरी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बुकरम ले लें। और ये हमारी जो कपड़ा कटिंग में से बचा था वो कपड़ा है। सबसे पहले हमें कपड़े को रखना है, उसके ऊपर बुकरम को रखना है और तीनों में एक साथ सिलाई लगानी है। इस पे इसी तरीके से पूरे पे सीधी सिलाई लगा लेंगे। और देखिए अब इसके बाद में हमें इस कपड़े को इस तरीके से रखना है और ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है बुकरम के ऊपर से फोल्ड कर लेंगे इसको। अबे पूरे पे हमने सिलाई लगा ली और इसको हमें इस तरीके से अंदर की तरफ पलटना है और बाहर की साइड से सिलाई लगानी है। अब इसको हमें अच्छे से इस तरीके से सेट करते हुए सिलाई को लगाना है इसके ऊपर। अबे देखिए हमने सीधी सिलाई लगा ली है और आप इसमें कोई भी डिजाइन बना सकती हैं या फिर सीधे सीधे ही इसे कंप्लीट कर सकती हैं। अभी हमें सिलाई और सीधी लगानी है। अब देखिए ये सिलाई आपको लगा ली है और उसके बाद में हम इसमें लहर बनाएंगे। वैसे मोहरी के डिजाइन हमने कई बता रखे हैं, आप हमारे चैनल पे वो देख सकते हैं। ये हम इसमें सिंपल डिजाइन डाल रहे हैं। इस तरीके से मशीन को हल्का हल्का घुमाते चलेंगे। और फिर से दोबारा से यहाँ से इसके ऊपर डिजाइन लेंगे। यहाँ पर इसी तरीके से दो सीधी सिलाई लगाएंगे और फिर ऐसे ही डिजाइन बना के उसके बाद दो सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से हमने पूरी मोहरी तैयार कर ली है और इसी तरीके से हमने दूसरा वाला पार्ट तैयार कर लिया है। अब इसका आसन जॉइंट करेंगे। अब देखिए दोनों आसन को हम एक साथ जॉइंट करेंगे। एक बैक वाला पीस है, एक फ्रंट है। और इसे दबाने वाली सिलाई लगाकर पक्का करेंगे और इसी तरीके से फिर दूसरा वाला आसन भी जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए दोनों आसन जॉइंट कर लिए हैं और बेल्ट को हमने तैयार कर लिया है। पहले यहाँ से बीच से जॉइंट किया था और 1.5 इंच ऊपर से फोल्ड कर लिया है। बेल्ट तैयार करना हमने नहीं बताया क्योंकि हमने स्पेशल बेल्ट लगाना और तैयार करने की वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखी है और इसके बाद हम इसमें मार्क करना बताएंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल यहाँ से डोरी वाला निशान है, जो डोरी डलेगी यहाँ पर और 20 सेंटर यहाँ से पीछे से फोल्ड लेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे जहाँ पर हमारा पीछे वाला आसन आएगा और यहाँ पर हमारा फ्रंट आसन आएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम मार्क करेंगे। देखिए यहाँ से हमें 11 इंच लेना है। आप चाहे तो निशान लगा लें, मैं यहाँ पर छोटे कट लगा रही हूँ। और जो प्लेटें हमारी आएंगी
इसे खोलेंगे तो ये हमारा फ्रंट आसन आएगा। यहाँ पर आधी प्लेटें इधर आएंगी और आधी इधर आएंगी। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, डोरी वाली जगह से। ये देखिए, ये हमारा आसन है और ये हमारी डोरी वाली जगह है। दोनों को एक साथ रखेंगे और इसमें प्लेट डालेंगे। अगर आपका कपड़ा कम है तो थोड़ी छोटी प्लेटें डालें, हमारा कपड़ा काफ़ी है तो हम इसमें करीब 1.5 से 2 इंच चौड़ी प्लेट डालेंगे। और देखिए, प्लेटों का रुख अभी तो हमने अपनी तरफ किया है और जब दूसरी साइड डालेंगे तो दूसरी तरफ होगा। प्लेटों का डायरेक्शन अभी हम अपनी तरफ कर रहे हैं तो यहाँ तक हम प्लेट डाल के तैयार करेंगे, जहाँ तक हमारा कट है। ये देखिए, हमारा कपड़ा ज़्यादा है और यहाँ पर कट आ चुका है। एक दो प्लेटें हमारी कट से एक्स्ट्रा भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो प्लेटें हम एक्स्ट्रा जगह में ले रहे हैं। और ये बाकी का खाली सिलना है हमने। और एक प्लेट के लिए हमने कपड़ा रख लिया है जो बैक में डालेंगे, जो हमारा ये बैक वाला निशान है यहाँ पर। अब देखिए, ये कपड़ा हमने इसी में से रखा था जो एक प्लेट यहाँ से आई, और एक प्लेट इधर के कपड़े में से लेंगे और यहाँ बैक आसन पर भी डाल देंगे। अब जहाँ तक ये हमारा निशान है वहाँ तक सीधा ले जाएंगे इसको, ऐसे ही कपड़े को। और दो प्लेट हमने थोड़े से कपड़े में ली थी तो इतना सा यहाँ पर भी ले लेंगे। और देखिए, अब प्लेटों का डायरेक्शन हम इधर की तरफ कर देंगे। पहले हमने अपनी तरफ किया था और अब बाहर की साइड करेंगे। प्लेट हमें उतनी ही चौड़ी लेनी है। और जितना भी कपड़ा है हमारा यहाँ पर प्लेट भर के इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए, पूरी प्लेट हमने डाल ली है इसमें और उसके बाद इसमें हमने सीधी साइड करके सिलाई लगा दी है पूरे में। ये ऊपर से हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको फिर ठीक से समझ में नहीं आया तो स्पेशल हमने बेल्ट लगाना और बेल्ट तैयार करने की वीडियो अपलोड कर रखी है, इसलिए हमने पूरी तरीके से नहीं दिखाया है। और अब इसकी फिटिंग करेंगे। अब यहाँ से देखिए, जितना आप अपनी फिटिंग पहनना चाहते हैं उस हिसाब से रखें। हम यह 6.5 इंच रखेंगे। और देखिए, इसमें यहाँ से फिटिंग में यही है सलवार की में कि हमें यहाँ से इसे अच्छे से सेट करना है कपड़े को, और इसे सीधा नहीं लेना है। यहाँ से 1 इंच के लगभग हम सीधा चलाएंगे और उसके बाद इस तरीके से हल्का हल्का कर देते हुए इस तरीके से लेके आएंगे ऐसे। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड फिटिंग करनी है और ये इसी तरीके से आसन तक ले जाना है और दूसरी साइड उतार देंगे और यहाँ से पक्का कर लेंगे। इस सिलाई को सीधा नहीं लेना है, इस तरीके से ही कर्व देके लेना है। ये देखिए, इसी तरीके से हम पूरा फिटिंग कर लेंगे इसकी। अब ये देखिए, पूरी सलवार हमारी बनके कंप्लीट हो चुकी है। किस तरीके से बनाई है हमने आपको बता दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।